अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द लास्ट वीडियो ऑफ 10th क्लास फिज़िक्स MCQs। इस वीडियो के अंदर हमारा लास्ट चैप्टर है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। MCQ नंबर 1, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट। आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं C612, C613 और C614। इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है 6, लेकिन इनका जो एटॉमिक मास है पहले के अंदर 12 है, दूसरे के अंदर 13 और तीसरे के अंदर 14, क्योंकि पहले के अंदर 6 न्यूट्रॉन्स हैं, दूसरे के अंदर 7 और तीसरे के अंदर 8, लेकिन एलिमेंट हमारा सेम है कार्बन। तो आइसोटोप्स का एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। MCQ नंबर 2, वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम इज़ U92-238। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस आइसोटोप इज़। इसके अंदर ये जो सिंबल के नीचे लिखा होता है ये हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसको हम Z से डिनोट करते हैं। इसके अंदर अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐड करें तो हमारे पास ऊपर वाला एटॉमिक मास आता है A। अब यहाँ से न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए हम एटॉमिक नंबर यानी Z को दूसरी तरफ जाके माइनस कर देंगे। यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे 238 - 92, यानी यूरेनियम 92-238 के अंदर 146 न्यूट्रॉन्स हैं। नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग रेडिएशन हैज़ मोर पेनिट्रेटिंग पावर। बीटा पार्टिकल, गैमा रे, अल्फा पार्टिकल, ऑल हैव द सेम पेनिट्रेटिंग एबिलिटी। तो इस डायग्राम के अंदर आप देखें तो गैमा रेज जो होती हैं उनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये न्यूट्रल होती हैं और अपने इर्द गिर्द के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किए बगैर शीट में से पेनिट्रेट कर जाती हैं। इसी तरह जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो भी न्यूट्रल हैं और उनकी भी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है। नंबर 4, व्हाट हैपन्स टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट विच एमिट्स 1 अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है He24। ये हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल की जनरल इक्वेशन है। इसके अंदर जो पेरेंट एटम होता है उसके एटॉमिक मास में से 4 माइनस होता है और एटॉमिक नंबर में से 2। एक अल्फ़ा पार्टिकल यानी हीलियम न्यूक्लियस और एनर्जी रिलीज़ होती है। यहाँ पे उसने एटॉमिक नंबर पूछा है तो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2। नंबर 5, द हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टन आइसोटोप इज़ 1 डे। व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ द आइसोटोप आफ्टर 2 डेज। हाफ लाइफ का मतलब है कि इतने टाइम के बाद उसकी जो अमाउंट है वो आधी हो जाएगी। यहाँ पे आइसोटोप की हाफ लाइफ दी गई है 1 डे, यानी 1 दिन के बाद उस आइसोटोप की जो क्वांटिटी है वो हाफ हो जाती है। तो 1 दिन बाद उसकी क्वांटिटी हाफ होगी और 2 दिन के बाद हाफ का हाफ यानी 4 टाइम डिक्रीज़ होगी। तो इसके लिए टर्म है 1/4 यानी 1/4 हो जाएगी। नंबर 6, व्हेन यूरेनियम इजेक्ट्स अ बीटा पार्टिकल हाउ मैनी प्रोटॉन्स विल बी इन द रिमेनिंग न्यूक्लियस। यूरेनियम के पास पहले 92 प्रोटॉन्स हैं, ये एक बीटा पार्टिकल एमिट करता है। अब इसके पास रिमेनिंग प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो बीटा पार्टिकल सिंपली हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि जब यूरेनियम 92 में से 1 इलेक्ट्रॉन यानी बीटा पार्टिकल एमिट हुआ तो इसके पास रिमेनिंग प्रोटॉन्स 91 है। नंबर 7, रिलीज़ ऑफ एनर्जी बाय द सन इज़ ड्यू टू। सूरज से एनर्जी किस वजह से रिलीज़ होती है, तो सूरज के अंदर रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। नंबर 8, When a heavy nucleus splits into 2 lighter nuclei, the process would release nuclear energy, absorb nuclear energy, release chemical energy, absorb chemical energy। हैवी न्यूक्लियस का स्प्लिट होना न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है, इसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है। नंबर 9, रेडियो एक्टिविटी इज़ अ डैश प्रोसेस। रेगुलर, रैंडम, नॉर्मल, नन ऑफ दीज। रेडियो एक्टिविटी एक रैंडम प्रोसेस है, यानी कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसी पैटर्न के साथ रेडिएशन एमिट नहीं करता। नंबर 10, विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की कौन सी प्रॉपर्टी है। हैवी न्यूक्लियस ब्रेक्स, तो ये हमारे पास न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है। एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड। न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन दोनों रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज़ होती है। नंबर सी है, एनर्जी इज़ रिलीज। ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि फिशन और फ्यूजन दोनों रिएक्शंस के अंदर एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये था हमारा लास्ट चैप्टर एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसके अंदर 9th और 10th फिज़िक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके कंबाइंड MCQs डिस्कस होंगे। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।